हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर हम लोग आज बात करें तो आपके एग्जाम्स की बात करते हैं। सभी लोग आपकी किसी ना किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोग 11th 12th में भी होंगे जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपका, ठीक। और सबका सपना होता है कि मैं पहली बार में या दूसरी बार में आपका एग्जाम क्रैक कर दूंगा आपका, ठीक है। तो मैं उसी चीज पर आपको एक छोटी छोटी सी टिप देने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी एग्जाम करना है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो आपका, चाहे IAS PCS से लेकर आपको कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे आपका नीट JEE मेंस का, उसके लिए छोटी छोटी आपकी टिप्स हैं। जैसे कि आप जब भी स्टडी करें तो आपको सबसे पहले आपको ये पता करना है कि उसमें सिलेबस आपका कौन कौन सा आना है और कौन कौन सा नहीं आना है। आपको भले ये पता हो या ना हो कि कौन सा आना है, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा नहीं आना है। क्योंकि अगर आप बिना मतलब का जो आना भी नहीं उस सिलेबस में वो पढ़ते रहेंगे तो आपका केवल टाइम वेस्ट होता है आपका, ठीक है। क्योंकि वो सिलेबस में भी नहीं आना है और वो आपका एग्जाम में उसका कोई मतलब भी नहीं निकला आपका, ठीक है। दूसरा ये है कि जब भी आप स्टडी करें तो आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब कि जो चीज़ें जो, क्योंकि पूरी आपका एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में आपके 3-4 ऐसे मेन पॉइंट होते हैं जो मतलब हाईलाइट पॉइंटेड होते हैं, जो आते रहते हैं आपके, तो वही पॉइंटेड आपको साइड में नोट करना है ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको आसानी पड़ जाए, ठीक है। दूसरा आपको आपको क्या करना है, टाइम कंज्यूमिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट, कि आपको एक लिमिटेड टाइम, यानी आप डेली पढ़ें चाहे ना पढ़ें, ठीक, सॉरी, यानी कि आप मतलब भले ही आप मतलब कम पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। कम यानी कि अगर आप डेली अगर 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आपको डेली 1 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आज मतलब 4 दिन पढ़ लिया आपने और फिर 10 दिन आपने ब्रेक ले लिया कि यार बहुत पढ़ लिया मैंने, यार 4 दिन तो मैं आराम से ब्रेक कर लेता, तो ऐसा नहीं करना। आपको डेली रूटीन बना के पढ़ना है, चाहे संडे मंडे कुछ भी हो, आपके लिए कोई मायने रखता है। यानी आपने अगर डिसाइड कर लिया मुझे 5 घंटे पढ़ना है तो डेली 5 घंटे ही पढ़ना है आपको, फिर चाहे कुछ भी हो जाकर। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको आपके एग्जाम में स्कोर करने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको।